तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम आज जानने की कोशिश करेंगे बिहार के बहुत ही फेमस एक पर्सनालिटी है, एक पर्सन है जिनका नाम है नटवर लाल। तो मैं आज उनके गांव में आया हूं क्योंकि मेरा भी घर इससे बहुत ही नज़दीक है, तो मैं सोचा कि ये जगह भी आपको दिखा दूँ अपने वीडियो में। तो अभी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर देखे मेरे पीछे एक मंदिर भी है बहुत अच्छा, ये नटवर लाल का गाँव है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा, उनसे मैं जानूँगा नटवर लाल का घर कहाँ है। तो उस हिसाब से हम जाके नटवर लाल का जो भी अभी बचा हुआ घर है उसको हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, कुछ लोग हैं इधर, मैं उनसे बात करूँगा और उनसे मैं पूछ लूँगा कि उनका घर कहाँ है, उस हिसाब से मैं भी आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल नटवर लाल का गाँव का एक तालाब है, देखिए मेरे पीछे बहुत ही सुंदर है ये तालाब। यहाँ पर लोग गर्मियों में आते हैं, बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, हवा लगता है बहुत अच्छा। देखिए यह है पूरा लोकेशन, ये मैंने जैसे बताया मंदिर। इस छोटे से गांव से नटवर लाल इतने बड़े इंसान यहां पर जन्मे और उनका नाम पूरे भारत में है। तेज़ दिमाग, सिग्नेचर करने में माहिर थे वो। तो चलिए कुछ लोग अंदर हैं, मैं उनसे मैं एक बार बात करता हूं, देखता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, ये रहा उनका जो घर, बचा हुआ जो घर है ये आप सामने देख पा रहे हैं इस वीडियो में। और यहाँ से मैंने लोगों से कुछ पूछा कि ये कब बना था, तो ठीक तरह से कोई तो बता नहीं पा रहा क्योंकि जितने भी थे सारे यंगस्टर थे, जवान लड़के थे। अगर कोई बूढ़ा होता तो वो ज़रूर बता पाता। तो ये पूरा ये चीज़ है, ये बचा हुआ है, देखिए इधर से, मतलब कुछ बचा नहीं है। हिंदुस्तान में जब भी नाम लिया जाता है किसी भी शख्स का जो कि सबसे बड़ा फरेबी निकला या ठग निकला, लोगों को धोखाधड़ी के मामले में नटवर लाल का नाम सबसे पहले आता है। और यही बचा है उनका छोटा सा जो घर था वो, जो कि कभी भी गिर सकता है। देखिए यहाँ से, मतलब मुझे देख के भी बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी देखिए, ये है एक गेट था सामने से, जहाँ से सबसे पहले यही गेट था उनका, एकदम छोटे जब थे यहाँ से बोला था, मतलब लोगों ने बताया कि यहीं से वो घर में घुसते थे, उनके जो मुख्य द्वार यही था। उसके बाद भी थोड़ा बड़ा होते होते और पीछे में भी बनाया गया था ये, लेकिन सबसे पहले यही था उनका गेट। और अभी भी देखिए ये घर वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि कोई यहाँ पे है नहीं देख रेख करने वाला, और जो भी साफ सफाई हो ऐसा कुछ है उनके लोग ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, उनका कहानी ये भी है कि उन्होंने संसद भवन को बेच दिया था दो बार, ताजमहल को उन्होंने बेच दिया था। तो एक ऐसे इंसान का ये घर है जिसका दिमाग इतना तेज़ था। उनका कहानी ये है कि अगर उन्होंने बताया था भारतीय गवर्नमेंट को, भारत सरकार को बोला था कि अगर उनको परमिशन दिया जाए तो वो भारत का आधा कर्ज माफ़ करवा सकते हैं, वो अपनी ठगी के दिमाग से, अपने दिमाग का यूज़ करके। तो ये उस व्यक्ति का घर है लेकिन भारत सरकार ने परमिशन नहीं दिया क्योंकि ये बेईमानी होता और भारत का नाम खराब होता बाद में दूसरे कोई भी देशों में। तो इतना तेज़ था दिमाग उनका। और नटवर लाल ने तो एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चैलेंज करके उनके अकाउंट से 1000 रुपीज़ निकाल भी लिया था, उन्हें सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो सिग्नेचर किसी का भी कर सकते हैं उस ज़माने में। और सामने एक मंदिर भी है, मैं वो आपको दिखाऊंगा थोड़े देर बाद ही आ जाएगा आपको वो मंदिर भी। तो मंदिर में ये है उनका मंदिर, जो उनकी माँ यहाँ पूजा करती थी, लोगों ने ये बताया मुझे वहाँ पर। तो इस मंदिर को अभी तोड़ के ये नया से बनाया गया है, देखिए पूरा मार्बल देखे इसको बनाया जा रहा है, ये गाँव के लोग ही बनवा रहे हैं इसको। और बाउंड्री सब दिया हुआ है साइड साइड से, पूरा मार्बल यहाँ पर दिया हुआ है। और इसलिए बोला गया मुझे कि इस मंदिर को भी थोड़ा दिखाया जाए इस ब्लॉग में। तो मैंने मंदिर भी रिकॉर्ड किया है, देखिए यहाँ पे ऊपर से कितना खूबसूरत दिखता है और नीचे भी जितने भी मार्बल से सब एकदम नया है। अभी इसमें काम चल ही रहा है, जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया है तभी पूरा काम चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको उनका ये गांव पसंद आया होगा, नटवर लाल का। उनकी कहानी आप इंटरनेट पर भी है, पढ़ सकते हैं। और मैं ब्लॉग को यहाँ पे रोक दूँगा और यहाँ से मैं अपने जा रहा हूँ घर। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।